मध्य प्रदेश के चुनावी समर में सियासी दलों के समर्थन में अब कलाकारों की भी एंट्री दर्ज की जाने लगी है। मशहूर हास्य कलाकार राजीव निगम भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, उनसे खास बातचीत की आईएनएच के वरिष्ठ संवाददाता दिनेश शुक्ल ने। भारत देश के मशहूर कॉमेडियन व्यंगकार राजीव जी हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश आए, चुनावी माहौल चल रहा है सर, क्या अब चुनावी माहौल चल रहा है? बस मैं एक दिन के लिए आया था, मेरा कुछ काम था, यहाँ पर शो था मेरा, तो चुनावी माहौल के चक्कर में मैं दो दिन और रुक गया। हमने कहा यहाँ देखो किसके कुर्ते फट रहे हैं, किसकी टोपी खींचे जा रही है ना, कहाँ क्या बवाल और लफड़े ये चीजें तो सब चली रही है। अभी चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं लोग, अभी तो आपस में लड़ रहे हैं लोग। हाँ, चुनाव लड़ना तो बाकी है अभी। अब इंडिया और भारत की बात चल रही थी, आपने ही बड़ा एक भयंकर टाइप का व्यंग किया था। अभी बताइए, अगर व्यंग तो पहले उन्होंने किया है कि मतलब आपका नाम मान लीजिए सुनील है, ठीक है, और दूसरा आप पत्रकार हो, हम आपसे कहें कि नहीं तुम सुनील नहीं हो, तुम पत्रकार हो ना, कितनी बेकूफी, पत्रकार तो हो ही, सुनील भी हो। तो बात वही हो गई कि वो इंडिया और भारत, यार सदियों से इंडिया भारत चल रहा है, लेकिन अचानक जानते हैं लोग कुछ ना कुछ शिगुफे निकालते रहते हैं, ये निकालते हैं शिगुफे तो हमको भी अपने लिफाफे से कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ता है। तो आप क्या निकाल रहे हैं अपने लिफाफे से, कावा चल रहा है उधर, इधर क्या निकल रहा है, कैसे देख रहे हैं चुनाव? चुनाव यहाँ पे बहुत अच्छा चुनाव होने वाला है, क्योंकि 18 साल से लोग लगभग पक चुके हैं, थक चुके हैं, लूट मार नोच घसोट भ्रष्टाचार, मतलब क्या नहीं हुआ इतने दिनों में, और सब कुछ उजागर है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं तो ये आपको समझ में आएगा, किसी को समझ में आएगा, बस वही चीज समझ में नहीं आती कि फलानी जगह ईडी चली जाती, वहां ईडी चली जाती है, और किसे भ्रष्टाचार एक छोड़ा नहीं जाएगा, यहां क्या हो जाता है। साफ तौर पर मध्य प्रदेश के चुनावी पर्यटन पर लोग लगातार आ रहे हैं, यहाँ का माहौल देख रहे हैं, चुनावी माहौल किस तरह है, क्या चीजें हैं, उसका भी जायजा ले रहे हैं। और अब जब सरकार बनेगी तो उसके बाद भी अपना व्यंग आएगा राजीव जी का। कुल मिलाकर बात की जाए तो अब चुनावी माहौल में जो सरगर्मियां हैं उसको लेकर उनके व्यंग अब आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भी आने वाले दिनों में। कैमरामैन विपिन के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला।